वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त एंड स्वस्थ होंगे। सो आज का जो वीडियो है बहुत ही मस्त होने वाला है, क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम R15 चलाने वाला हूँ, वर्सन 4। और इस भाई का बाइक है और यहाँ पर लोकेशन पे आया था रील्स बनाने के लिए, फोटोशूट करने के लिए। तो आज मेरा फर्स्ट टाइम R15 में चलाऊंगा, देखते हैं क्या मतलब कैसा एक्सपीरियंस होता है R15 चलाने में, क्योंकि ऐसे फेयरिंग स्पोर्ट बाइक कभी भी नहीं चलाया मैंने। और इस बाइक को पूछते हैं बाइक चलाने देगा या नहीं। तो बाइक चलाने दोगे ना? शाम के मारे भाई मुंह छुपा रहा है हेलमेट पहन के। तो अब बाइक देखो भाई, तो मस्त बाइक है। भाई का यूट्यूब चैनल भी है इस सीरीज, और भाई बोल रहे हैं कि न्यू एक चैनल भी ओपन करेगा मोटर व्लॉगिंग के लिए। तो ये बाइक है भाई, बाइक तो भाई मस्त बाइक है। मुझे सबसे अच्छा लगता है R15 का रेसिंग ब्लू और ब्लैक, दोनों ही पसंद है R15 के। तो आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो इंशाल्लाह एक दिन मेरा भी होगा बाइक। तो अभी रील्स फोटोशूट वगैरह करते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ, इस वीडियो में भी दिखाऊंगा कि कैसे रील्स बनाया, कैसे फोटोशूट हुआ क्या नहीं। आपके पास है जैगुआर? नहीं मैम, हमारे पास तो R15 है। फोटोशूट वगैरह कंप्लीट हो चुका है, सो अभी चलते R15 को लेकर RTO ऑफिस। तो भाई यहाँ से चलते, यहाँ पर तो बहुत सारा बढ़िया बढ़िया तगड़ा रील्स बना लिया, फोटोशूट भी हो गया। सो चलते भाई, डर भी लग रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि ऐसे बाइक पहली बार चला रहा हो, तो थोड़ा टाइम के बाद ऐसे भी ठीक हो जाएगा। तो RTO ऑफिस क्यों जाना है आज? RTO ऑफिस जाना है क्योंकि जो PVC कार्ड होता है लाइसेंस का, तो उसके लिए एक फ़ी देना पड़ता है, तो वो फ़ी देना है और वो लेना भी है। देखते हैं आज देगा या कल या कब टाइम डेट देता है, तो वो देखना है। तो इसीलिए जा रहा हूँ, और स्पेशली आज दो काम के लिए आया था, एक है कि फ़ोटोशूट वगैरह करने के लिए और रील्स बनाने के लिए, और RTO ऑफिस भी जाना है। सो चलते। तो RTO ऑफिस क्यों जाना है आज? RTO ऑफिस जाना है क्योंकि जो PVC कार्ड होता है लाइसेंस का, तो उसके लिए एक फ़ी देना पड़ता है, तो वो फ़ी देना है और वो लेना भी है। देखते हैं आज देगा या कल या कब टाइम डेट देता है, तो वो देखना है। तो इसीलिए जा रहा हूँ, और स्पेशली आज दो काम के लिए आया था, एक है कि फ़ोटोशूट वगैरह करने के लिए और रील्स बनाने के लिए। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झकझोरी क्यों ना। सूरज की किरण आने दे मेरे नी। भाई RTO ऑफिस तो बंद है आज, तो इसीलिए काम नहीं हो पाया, किसी और दिन आना पड़ेगा। और दोस्त को घुमाने के लिए आया हूँ मॉल पे, तो यहाँ पर आ गया पार्किंग पे। तब देख सकते हो वहाँ पर है बाइक, तो ये रहा बाइक। सो चलते बाइक को लेके, घूमना तो हो गया। आप देख सकते हो ये रहा मॉल मॉल। सो दोस्त को घुमाना कंप्लीट हो गया, सो अभी चलते हैं घर, क्योंकि RTO ऑफिस का जो काम था भाई वो तो नहीं हो पाया, क्योंकि आज बंद है RTO ऑफिस। सो देखते कल भी आना पड़ेगा फिर से, काम तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे घूमना हो गया। तो कितना आज क्राउड है, कितना रास है, क्योंकि आज कोई आने वाला है, कौन आने वाला है वो तो पता नहीं है, लेकिन कोई पॉलिटिक्स का कोई आ रहा है बहरमपुर, सो इसीलिए मतलब बहुत दूर दूर से लोग आया है। आज ट्रैफिक भी ज़्यादा है भाई, रश भी ज़्यादा है, दोनों ही ज़्यादा है। तो अभी चलते, और भाई R15 चलाने का मज़ा ही अलग है भाई, थोड़ा हाथ दर्द कर रहा है लेकिन कोई बात नहीं, उतना भी दर्द नहीं कर रहा है, सह लेंगे जितना भी दर्द कर रहा है, लेकिन भाई मज़ा आ रहा है बहुत। और भाई सगा भाई या बोलो क्लोज फ्रेंड, कोई भी भाई बाइक चलाने नहीं दिया, लेकिन भाई ने बोला भाई चलाओ, तुम जो मर्जी हो करो, वीडियो करो, जो करो, करना है करो। बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्त को देखा जो भाई बाइक चलाने नहीं देता है, भाई खुद से बोलता हूँ भाई, पीछे बैठ के बोलता भाई पीछे दर्द कर रहा है भाई, थोड़ा चलाने के लिए दे, लेकिन फिर भी नहीं देता। और फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ ना, तो उतना भागा नहीं रहा हूँ, ऐसे धीरे धीरे थोड़ा नर्वस होकर चला रहा हूँ, क्योंकि भाई खुद का बाइक नहीं है। खुद का बाइक होता तो कोई भी दिक्कत वगैरह बात नहीं होता है, लेकिन भाई फ्रेंड का बाइक है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान में रख के चलाना पड़ रहा है, और वो भी ऐसे बाइक फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे चला रहा हूँ और संभल के चला रहा हूँ। तो भाई हाई रोड पर आ गया, सो अभी थोड़ा भाग के देखते हैं कि कैसा लगता है R15। सो चलते भाई साहब, क्या पावर है भाई।
भाई मस्त पावर है, मस्त। लेकिन उतना भी तेज नहीं चलाएंगे भाई, क्योंकि भाई बाइक मेरा नहीं है, दोस्त का बाइक है, तो थोड़ा संभल के चलाएंगे। अगर खुद का बाइक होता भाई तो भाई इस बाइक को उड़ाता, लेकिन भाई दोस्त का बाइक है, समझ सकते हो। भाई देखो भाई कुछ भी इंडिकेटर विंडिकेटर कुछ भी नहीं दिया, गुस्सा दे रहा है भाई ऑफ साइड में। तो और एक बार भागा थे बाइक को, को यहीं पर एंड करते हैं। अगर व्लॉग आप लोग पसंद आए तो जरूर व्लॉग कर दे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे सब्सक्राइब। और घर आ गया और भाई भी जाएगा घर, तो चलते अभी और मिलते हैं किसी और एक इंडस्ट्री मोटर व्लॉगिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।